वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी समर फ्रेश मेकअप लुक। तो आज मैं इस लुक को क्रिएट करने के लिए कोई भी फाउंडेशन, सीसी क्रीम, बीबी क्रीम कुछ भी अप्लाई नहीं किया है। बहुत ही सिंपल सा लुक है गाइस, बहुत ही मिनिमम प्रोडक्ट से मैं आज इस लुक को क्रिएट किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग माय वीडियो, डोंट फॉरगेट टू डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल टू गेट नोटिफाइड व्हेन आई अपलोड अ न्यू वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने ऑलरेडी मेरी फेस पर मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन अप्लाई कर लिया है। उसके बाद बारी है प्राइमर की। तो उसके लिए मैं आज यूज़ कर रही हूँ निविया मैन आफ्टर शेव बाम। तो मेनली मैं मेरी टी जोन एरिया पर इसको अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं मेरी ब्राउज को कोम कर लूँगी। उसके बाद मैं मेरी ब्राउज को फिल कर रही हूँ मिस क्लियर का आईब्रो पेंसिल से। बहुत ही लाइट हैंड मैं मेरी ब्राउज को फिल कर रही हूँ, एज यू गाइस कैन सी। और जो भी प्रोडक्ट मैं आज यूज़ कर रही हूँ सब मैं मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मेंशन कर दूँगी, आप चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो उसके बाद मैं मेरी ब्राउज को कोम कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं कंसीलर अप्लाई करूँगी। तो उसके लिए मैं आज यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिट मी कंसीलर आई एम इन द शेड 25 मीडियम। तो इसको मैं मेरी अंडर आईज एंड मेरी फेस पर जो भी स्पॉट है उसको कवर करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड्स बो, चिन एंड फोरहेड पर भी अप्लाई करूँगी। उसके बाद एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर से सब कुछ मैं एक साथ ब्लेंड कर लूँगी। सेम कंसीलर को मैं मेरी आईलिड पर भी अप्लाई करूँगी, करके मैं एक साथ सब कुछ ब्लेंड कर रही हूँ। समर टाइम पर हमें ज़्यादा कुछ अप्लाई करना पसंद नहीं होता है, इसीलिए बहुत ही अच्छा होता है अगर आप सिर्फ कंसीलर को अप्लाई करते हो तो एक हल्का पुल्का कवरेज भी दे देता है और लाइट वेट भी होता है। तो उसके बाद मैं मेरी कंसीलर को सेट करूँगी लोटस इको स्टे कॉम्पैक्ट पाउडर से। मैं सिर्फ मेरी कंसीलर को सेट कर रही हूँ। उसके बाद मैं मेरी नेक एरिया पर भी इसको अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट बारी है आई मेकअप की। तो आज मैं एक लिपस्टिक को ही आई शेडो की तरह अप्लाई करूँगी। तो आप देख पा रहे हो मैं फिंगर से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल लगता है और समर टाइम पर ज़्यादा कुछ अप्लाई करना पसंद भी नहीं है मुझे। स्टिक जो है ये फेसेस कनाडा का है, तो इसका जो शेड है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मेंशन कर दूंगी, आप चेकआउट कर लेना। तो उसके बाद मैं स्विस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट में से शिमरी शेड को लेकर अगेन मैं फिंगर से इसको अप्लाई कर रही हूँ मेरी आईलिड पर। बहुत ही लाइट हैंड मैं अप्लाई कर रही हूँ। तो ये जो शेड है ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था मेरे आउटफिट के साथ। आपके आउटफिट के हिसाब से आप कोई भी लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हो। तो उसके बाद जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है गाइस, आपकी लैशेस को कर्ल करना, क्योंकि आप देख पा रहे हो डिफरेंस। उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी मस्कारा। तो उसके लिए मैं आज यूज़ कर रही हूँ सुगर का मस्कारा, ये काफ़ी अच्छा एक मस्कारा है। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक मस्कारा का ट्रिक्स शेयर करूँगी वीडियो की एंड पर। अगर आप काजल पर्सन हो तो आप काजल भी अप्लाई कर सकते हो। तो उसके बाद मैं सुगर कॉन्टोर डी फोर्स फेस पैलेट में से इस पिची पिंक शेड को लेकर मैं मेरी एप्पल ऑफ माय चीक्स पर अप्लाई कर रही हूँ। तो मैं समर टाइम पर कॉन्टोर वगैरह करना मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं करती हूँ, इसलिए मैं अप्लाई नहीं कर रही हूँ। आप चाहो तो आप नोज़ को भी कॉन्टोर कर सकते हो। तो उसके बाद अप्लाई करूँगी हाईलाइटर, बहुत ही लाइट हैंड मैं अप्लाई करूँगी। तो ये वेट एंड वाइल्ड का हाईलाइटर है इन द शेड प्रिशियस पेटल। तो बहुत ही लाइट हैंड मैं अप्लाई कर रही हूँ। मैं सिर्फ मेरी चीक बोन, क्यूपिड्स बो, चिन, ब्रिज ऑफ द नोज और लिटिल बिट कॉलर बोन पर अप्लाई करूँगी। नेक्स्ट बारी है लिपस्टिक की। तो फर्स्ट मैं मेरी लिप को लाइन कर लूँगी कलर एसेंस कोको ब्राउन शेड से, नंबर है 15। उसके बाद मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगी सेम लिपस्टिक जिसको मैं मेरी आई शेडो की तरह अप्लाई किया है, सेम शेड को ही मैं अप्लाई करूँगी मेरी लिप्स पर। ये फेसेस कनाडा का लिपस्टिक है, शेड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मेंशन कर दूँगी। तो ये जो है ट्रिक्स है गाइस, मस्कारा ड्राई होने के बाद फिर से आपको आपकी लैशेस को कर्ल करना है और फ़र्क आपने देखा कितना डिफरेंस है।
तो सेम चीज मैं मेरी दूसरी आईज पर भी करूंगी एंड दिस इज द फाइनल लुक गाइस। आई होप आप सभी को मेरा आज का ये वीडियो पसंद आई है। अगर आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और मुझे ज़रूर बताना आप लोगों को कैसा लगा है मेरा आज का ये लुक। और प्लीज़ मुझे ये भी बताना आप लोग किस तरह का वीडियो देखना पसंद करोगे नेक्स्ट। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।